हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू एक्सप्लेन पोएम्स लाइंस, कविताओं के पंक्तियों को कैसे एक्सप्लेन करें, लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, IAICICOM में पढ़ते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ लाइन्स दिया होता है पोएम्स में, पोएम्स का पोएट्री सेक्शन का हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 मार्क्स का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। तो पोएट्री सेक्शन में आप जानते हैं कि पोएट्री सेक्शन में आपके बुक में 10 बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है, 10 बुक्स जो है सॉरी 10 पोएम्स, 10 पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड है, यानी 10 कविताएं हैं, उनमें से कुछ कविताओं के कुछ लाइन को कुछ पंक्ति को दिया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है, A B C D मिलता है। तो इस तरह से इसमें से किसी एक का जो है आपको आंसर देना पड़ता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएट्री सेक्शन का। और पोएट्री प्रोज सेक्शन में भी पूछा जाता है, प्रोज सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। पिछले ईयर को क्वेश्चन को जब गौर से देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे या क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलता जुलता ये जो है आपको ये मिल जाएगा, यानी यही ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस हाउ एवर रेयर इट बी, ये लाइन मिल जाएगा। तो ये लाइन दिया रहेगा और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है कि आप एक्सप्लेन में विस्तार से बताइए के पॉइंट क्या कहना चाहता है। ओके, तो आप जो है 10 पॉइंट्स को अगर गौर से पढ़े होंगे, लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है और क्या कहना चाहता है। अगर जो है लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, सारी कविताओं को नहीं पढ़ी है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से पूछा गया है, कहाँ का लाइन है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है पर जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस हाउ एवर रेयर इट बी। ओके, तो ये आपको जो है मिला है, आप इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जनरली इसको तीन स्टेप में लिखा जाता है। ओके, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में एक्सप्लेन किया जाता है। मैंने यहाँ लिखा है स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मैंने नंबरिंग किया है, लेकिन आपको एग्जाम में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, यानी 3 आप पैराग्राफ में लिखेंगे, 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। तो कौन से पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ओके, और तो इस पर जो है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है, आप नोट डाउन कर लेंगे इसको ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम, वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम, यानी जो है ये कहाँ से लिया गया है, लाइन्स कहाँ से लिया गया है, इन पंक्तियों को कहाँ से लिया गया है। सेकेंड में लिखेंगे व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से थ्रू दीज इन लाइन के जरिए, इन लाइन के माध्यम से क्या कवि क्या कहना चाहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है। और फोर्थ में लिखा जाता है इसका स्टाइल क्या स्टाइल है, इसका राइम स्कीम क्या है, ओके, और ये आपको कितना अच्छा लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको अप्रिसिएट करना होता है, यानी थोड़ा तारीफ़ करना होता है। क्या करना होता है, तारीफ़ करना होता है, एडमायर करना होता है, कॉम्प्लीमेंट करना होता है। तो आपको समझ में आज आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लाइन को लिया गया इन पंक्तियों को, ओके, और सेकेंड में व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से थ्रू दिस लाइन्स, इन पंक्तियों के जरिए से क्या कहना चाहता है कवि, और स्टाइल, और थर्ड में स्टाइल या राइम स्कीम क्या है, इसका थर्ड स्टेप में यानी थर्ड पैराग्राफ में लिखा जाता है, यानी अप्रिसिएट करने की जरूरत होती है, आप थोड़ा सा तारीफ कर देंगे। ओके, तो आप समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आप तैयारी करके गए हैं इसको और एग्जाम में कुछ और लाइन्स आ जाता है तो कैसे लिखेंगे, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो मैंने लिखा है, आपको पता चल रहा है, बट ब्यूटी वेनिसेस बट ब्यूटी पासेस, ओके, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, यानी ब्यूटी
वेनिस हो जाता है, ब्यूटी वेनिस हो जाता है, वेनिस मिस होता है, डिसअपीयर हो जाना, गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना, पेरिश हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी खत्म हो यानी पासेस हो जाती है, गुजर जाती है, ख़त्म हो जाती है। ओके, हाउ इवर रेयर इट बी, हाउ इवर मिस होता है इट मे बी, ओके इट मे बी मिस चाहे कितना भी क्यों ना हो, रेयर मिस दुर्लभ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कह सकते हैं, यूनिक क्यों ना हो, कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कितना भी एक्सेप्शनल क्यों ना हो, ओके कितना भी यूनिक क्यों ना हो, ओके ये एक दिन खत्म हो जाता है, कभी कहना चाहता है डिस्ट्रॉय हो जाता है ब्यूटी। ओके, तो ये आप समझ पा रहे हैं कि ये एन एपिटाफ से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, वाल्टर डी ला मेयर। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा है, आपको भी सेम इसी तरह लिखना है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ, ये लाइन्स एन एपिटाफ से लिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं, आपको अगर पता नहीं चल रहा है कहाँ से लिया गया तो आप इजी में लिख सकते हैं, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल पोएम। ओके, यहाँ ब्यूटीफुल पोएम लगा देंगे। ओके, इन एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड, एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड बाय डी ला मेयर। ओके, एन एपिटाफ कंपोज किया गया है डी ला मेयर के द्वारा, यानी लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो बहुत ही महान इंग्लिश पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ऑफ 20th century, 20वीं शताब्दी के। ही इज नोन एज द चिल्ड्रेंस पोएट, और उनको जो है चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में जाना जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो हमको मिल गया, यानी कहाँ से लिया गया है। ओके, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो पता चल गया कि यहाँ पे एन एपिटाफ से लिया गया है, और इसके राइटर कौन हैं, तो वाल्टर डी ला मेयर हैं, और ये वाल्टर डी ला मेयर कौन थे और कहाँ के थे, ये समझ में आ गया। अब सेकेंड स्टेप में, व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से थ्रू दिस लाइन्स, इन लाइन के जरिए कवि क्या कहना चाहता है, इसको इसमें लिखना पड़ता है सेकेंड स्टेप में, सेकेंड पैराग्राफ में। थ्रू दिस लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट्स, इन जो है लाइन्स के जरिए द पोएट एक्सप्रेस, पोएट जो होता है एक्सप्रेस करता है, यानी अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है, अपनी फीलिंग्स को बताता है, अपने सेंटिमेंट को बताता है, या लिख सकते हैं द पोएट वांट्स टू से हिज सेंटिमेंट अबाउट हिज सेंटिमेंट्स, वो अपने सेंटिमेंट्स के बारे में बताता है। लेकिन हम लोग लिखे हैं द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट्स, यानी पोएट एक्सप्रेस करता है अपने सेंटिमेंट्स को, सेंटिमेंट्स मींस होता है भाव को, फीलिंग को, जो उसके दिलो दिमाग में चल रहा है। ओके, फॉर ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और किसके लिए, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जो बहुत ही खूबसूरत लेडी है, महिला है, औरत है, हु इज लाइंग इन द ग्रेव, जो ग्रेव पे पड़ी हुई है, यानी मर गई है, वो जो है लेटी हुई है। तो एन एपिटाफ जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एन एपिटाफ जो है एक कब्र है, ग्रेव होता है, ग्रेव मींस कब्र होता है, और कब्र के ऊपर एक ये लिखा रहता है, इस जो मर जाता है डेड बॉडी होता है, इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा होता है, इसको शिलालेख कहा जाता है, उसमें जो है खोद खोद कर लिखा जाता है, यानी कविता के इसके बारे में, जो डेथ बॉडी है, जो मर चुका है, ग्रेव के अंदर जो है लेइंग हुआ है, यानी कब्र में पड़ा हुआ है, उसके बारे में इसमें लिखा जाता है, टॉम स्टोन जिसको कहा जाता है, उसी में लिखा जाता है। तो आप जब गौर से इस कविता को पढ़ेंगे, यानी एपिटाफ को, तो इसमें 8 लाइन है, और 8 लाइन में जो है क्या है, वाल्टर डी ला मेयर एक प्रेमी के रूप में वहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को, वो कब्र के सामने बैठे होते हैं और बहुत रो रहे होते हैं, आँखों से आंसू बहता है और दिल जो है शराबोर हो जाता है, आप सोच सकते हैं। तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो जो है मर जाती है, इतफाक से अनफॉर्चुनेटली सी डाइड, वो मर जाती है। तो मरने के बाद वो कहाँ जाता है, टॉम स्टोन के सामने, ग्रेव यार्ड के जाता है, उसके बाद ग्रेव के सामने बैठ कर जो है उसके बारे में बताता है, और हेयर लाइज ए ब्यूटीफुल लेडी, आप पढ़ेंगे तो यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ एक खूबसूरत महिला पड़ी हुई है, यानी मर गई है, वो अंदर में है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ वही कह रहे हैं कि यह जो है वेस्ट कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी, लेकिन क्या करें, ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी जो है वेनिस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, ब्यूटी पासेज, ब्यूटी गुजर जाता है, हाउ इवर रेयर इट बी, चाहे इसकी जो है ब्यूटी कितनी भी क्यों ना हो, चाहे वो खूबसूरत कितनी भी हो, खूबसूरती वक्त के साथ वो गुजर जाता है, चाहे ये कितना भी ब्यूटीफुल फैसिनेटेड क्यों ना हो, चाहे कितना भी फेस चार्मिंग फेस क्यों ना हो, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक लवर है और अपने बिलेवेट के बारे में बता रहे, एक प्रेमी है, प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं। तो ये लाइन के जरिए वो बताना चाहते हैं कि ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, जो ग्रेव में पड़ी हुई है, और वो लिखे हुए हैं, याद रखिएगा 8 लाइन्स को इसमें टॉम स्टोन में, इस शिलालेख में लिखा हुआ है। ओके, इस कविता का ही सेज दैट, वो आगे कहते हैं दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, ब्यूटी एवर लास्टिंग नहीं है, एवर लास्टिंग मीन्स होता है परमानेंट नहीं है, यानी ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, भी देख सकते हैं कि ब्यूटी परमानेंट नहीं है, चाहे वो कितना भी फैसिनेटेड क्यों ना हो,
एट्रेक्टिव क्यों ना हो, चाहे वो कोई जो है कितनी भी खूबसूरत महिला क्यों ना हो, वो एक साथ ऐसा भी वक्त आता है जो वो पैरिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ये कवि कहना चाहता है इट वेनिशेज इट पासेज, ये परमानेंट नहीं है, ये वेनिश हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, इट पासेज ये गुजर जाता है, खत्म हो जाता है, विद द पेसेज ऑफ टाइम, समय के वक्त के जो है बीत वक्त के साथ, वक्त जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे जो है खत्म होते जाता है, विद द पेसेज ऑफ टाइम मतलब होता है वक्त गुजरने के साथ। ओके, इट विल पेरिश वन डे, ये वो आगे कहते हैं इट विल पेरिश वन डे, इट पेरिशेस वन डे, एक दिन वो खत्म हो जाता है, ये पेरिश खत्म हो जाएगा। हाउ एवर, हाउ एवर चाहे ये कितना भी, हाउ एवर का मतलब होता है मे इट बी, हाउ इट मे बी, ओके चाहे ये कितना भी क्यों ना हो, हाउ इट बी चाहे, हाउ एवर मींस होता हाउ इट बी, चाहे ये कितना भी एक्सेप्शनल क्यों ना हो, चाहे ये कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, जो है ये एक दिन खत्म हो जाता है, पेरिश हो जाता है। इन लाइन के जरिए कवि यही कहना चाहता है। तो व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से थ्रू दीज लाइंस, थ्रू दीज लाइंस के जरिए क्या कवि कहना चाहता है, वो कवि कहना चाहता है कि जो है ब्यूटी जो है वेनिश हो जाता है, ब्यूटी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, चाहे ये कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन के बाद एक दिन में वो खत्म हो जाता है, ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, वो आगे कहते हैं। आप समझ में आ रहा होगा, इसमें ये सेम चीज इसको लिखा जाता है। थर्ड स्टेंजा में आप क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेंजा में लिखा जाता है स्टाइल यानी राइम स्कीम या अप्रिसिएट करना होता है कविता के बारे में। ओके, द इमेजरी ऑफ द पोएम इज वेरी सेंसुअस, यानी इमेजरी जो इमेजिनेशन किया गया है किसके द्वारा, कवि के द्वारा यानी वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, बहुत ही सेंसुअस है, बहुत ही कामुक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही प्यारा है, लवली है। द डिक्शन ऑफ द पोएम इज सोनरस, डिक्शन जो है इसमें यूज जो किया गया है इस कविता में, डिक्शन मीन्स होता है वर्ड्स यूज इन पोएम्स, ऐसा जो वर्ड जो यूज किया जाता है जो इसमें कवि में कविता में सॉरी पोएम्स में उसको डिक्शन कहा जाता है। द डिक्शन ऑफ द पोएम इज सोनरस, सोनरस मीन्स होता है स्वीट, लवली, वेरी शुद्ध, मधुर, ओके स्प्लेंडेड कर सकते हैं ग्रेंजर। इट इज ऑफ एट लाइन्स इन ए सिंपल, इन ए वेरी सिंपल राइम स्कीम, ये एट लाइन का है और बहुत ही सिंपल राइम स्कीम है। आई होप कि आप समझ चुके हैं, एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे। और इसका जो है मैं एपिटाफ से लिया गया है, एपिटाफ का मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आप दोनों को देखेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस चैप्टर से जो इस पोएम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, समरी हो, या आप कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन हो, ओके तो आप इजी वे में उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, एग्जाम में इजी वे में आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके हैं, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज, विश यू ऑल द बेस्ट।